और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद, जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी पंजाबी बोलते हैं, सबके साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। अभी ये लड़की फरा शाहीन नाम की लड़की है, फैसलाबाद से इसको उठाया गया और देखें कितनी तकलीफ है भाई की आवाज में, छोटे भाई की आवाज में। और हमारी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, ये जो बेचारे लोग हैं, गरीब लोग, ये पूछ रहे हैं, ये वजीर आजम साहब को कह रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, वजीर आजम साहेब सुन लें, इनकी बेचारों की जिंदगियां थोड़ी सी आसान कर दें। इनके भी वो मसले हैं जो आम मुसलमानों के हैं कि खाने को नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, पानी नहीं है, लड़की का जहेज अकट, इनके वो मसले भी हैं। लेकिन इनका एक और मसला, उसके ऊपर एक और मसला है कि ये बेचारे मसीही हैं एक मुसलमान मुल्क में, या ये लोग एक हिंदू हैं एक मुसलमान मुल्क में, या ये लोग अहमदी हैं एक मुसलमान मुल्क में। इनके इनकी ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लोग, ये ज्यादा पिसे हुए लोग हैं। ये वीडियो चेक करें, ये अभी तीन दिन पहले मुझे वीडियो भेजी है। सलाम जी, मैं विकास हूँ, तो मेरी फराशी जुड़वा भैन से और साढ़े घर वाला चुप लिया गया, तो मेरा पापा घर ही से सर सारे धक्के मार के उन्होंने पढ़ा किया, मेरे दादे ने भी बहुत मारिया, तो इसलिए अभी वजीर आजम से रिक्वेस्ट करते हैं साड़ी भैन जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। खत्म साढ़े ना बहुत ज्यादा हुई है, मेरी भैन ने साढ़े को फोक लै गए, साड़ी अगे नहीं सी माँ है साढ़े को, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। तो ये काम मैं करता रहूंगा, ये हर हफ्ते दो वीडियोस इस तरह की आती रहती हैं, दो तीन वीडियोस, हर हफ्ते कोई नया शोशा होता है। और ये काम हमारे जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, जिनको ये तकलीफ हो जाती है कि फ्रांस में उन्होंने आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया मुसलमान बच्चों को कि आप पढ़ें, उनको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में है। जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जुर्माना पड़ता है अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, और अगर होम स्कूलिंग करते हैं तो बता के करते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। वही काम फ्रांस ने अब किया, लेकिन उसके ऊपर रोना धोना शोर शराबा, पता नहीं ट्वीट्स बनती है, इंटरनेशनल नोटोराइटी मिलती है, क्या मिलता है, मजा आता है शायद वो फौरन। लेकिन अपने मुल्क में ये जो बेचारा लड़का जो रो रहा था साथ अपने बूढ़े बाप के या दादा के साथ रो रहा था, छोटा बच्चा जो रो रहा था, उसकी जुड़वा बहन फरा शाहीन, वो लड़का छोटा कितने साल का लग रहा था मुझे, तो 10-11 साल का भी नहीं लग रहा था, उसकी बहन जुड़वा बहन भी 10-11, तो 10-11 साल की लड़की को उठा के ले गए हैं। फैसलाबाद का वाक्य है सर ये, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कोई कर ले मुझसे कॉन्टेक्ट, मैं आपको भेज दूंगा कि ये कौन है। लेकिन नहीं, हमने रोना था जी फ्रांस में मुसलमानों के साथ क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दे दिया, तो वगैरह वगैरह, लेकिन अपने मुल्क में क्या हो रहा है, किसी ने कोई आप लोगों को शर्म नहीं आती। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।